तो अमृत महोत्सव के मौके पर पीएम ने देश के सभी ऐतिहासिक स्थलों को फ्री कर दिया है, जिसकी वजह से आगरा में ऐतिहासिक स्थल देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ भी उमड़ी और जो कि पुरातत्व विभाग के लिए नई मुश्किल बन गई। लोगों का ये हुजूम आगरा के रेड फोर्ट और ताजमहल को देखने के लिए पहुंचा था। रक्षाबंधन के त्योहार पर ज्यादातर लोग अपने परिवार के साथ आगरा के ऐतिहासिक इमारतों को देखने के लिए यहां पहुंचते थे। लोगों की भारी भीड़ की वजह से ऐतिहासिक इमारतों की व्यवस्था संभालने वाले एएसआई विभाग के कर्मचारी परेशान हो गए और कई जगह अव्यवस्था देखने को मिली। इस दौरान ताजमहल और आगरा का रेड फोर्ट देखने पहुंचे लोगों ने एएसआई कर्मचारियों पर लोगों से अभद्रता का आरोप भी लगाया। और सभी स्मारकों पे आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जो 5 तारीख से 15 तारीख तक निशुल्क रखा गया है, उसको देखते हुए स्थानीय लोग, बाहर से आने वाले पर्यटकों का एक बड़ा हुजूम है और उनकी संख्या काफी ज्यादा है। कई बार नियंत्रण से बाहर कह सकते हैं कुछ कुछ जगहों पर। फिलहाल बेकाबू भीड़ को देखते हुए 15 अगस्त तक एएसआई ने ताजमहल के मुख्य गुंबद में लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। हालांकि 15 अगस्त तक ताजमहल के बाहरी हिस्से में पर्यटकों को निःशुल्क प्रवेश जारी रहेगा। आजादी के अमृत महोत्सव पर केंद्र सरकार ने 15 अगस्त तक सभी ऐतिहासिक इमारतों और संग्रहालयों में प्रवेश निःशुल्क कर दिया है, जिसकी वजह से लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है।